हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद जी. चंद्रशेखर जी, हमने सुना था जेल में आपकी तबीयत कुछ खराब थी, अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत अभी ऐसी चल रही है, आज मेरी ओपीडी थी, लेकिन जैसा कोर्ट ने समय दिया कि 24 घंटे में मुझे वापस लौटना है यहाँ से, तो मेरी जान से ज़्यादा वो काम है जिसके लिए मुझे लोगों को तैयार करना है कि लोग घर से निकले और आंदोलन को और मजबूत करें. तो जामा मस्जिद में पुलिस ने कहा था कि आपने भड़काऊ भाषण दिया है जिसको वो कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, उसके बाद भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं दिल्ली में और आप शाहीन बाग नहीं जा सकते, 4 हफ्ते दिल्ली में नहीं आ सकते, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने परिवार के बीच में नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगे हैं. मैं माननीय न्यायपालिका से निवेदन करूँगा, हम लोग उसमें अर्जी भी लगा रहे हैं कि ये जो कंडीशन मेरे ऊपर लगाई गई हैं, कोर्ट जो पुलिस द्वारा भ्रमित इन्फॉर्मेशन को दी गई है मेरे बारे में, उसके बाद ये लगी हैं, उनको वो उसमें मुझे रियायत बरतें, मैं अपने परिवार के बीच जा सकूं. बहुत ज़रूरी बात ये है कि मैंने एक भड़काऊ भाषण जामा मस्जिद में दिया था ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस उसे साबित तो नहीं कर पाई, लेकिन वो भड़काऊ भाषण बहुत सीधे शब्दों में संविधान की प्रस्तावना है, और जिन लोगों को ये लगता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा, उनको संविधान की प्रस्तावना भड़काऊ भाषण ही लगेगा. तो इस देश की संविधान की प्रस्तावना रोज पढ़ी जाएगी, हर आंदोलन में पढ़ी जाएगी, राष्ट्रगान हर आंदोलन में होगा, और यही हमारी ताकत है कि सब लोग खड़े होकर जो हैं इस देश की प्रस्तावना को स्वीकार कर रहे हैं. तो वो जिस प्रस्तावना में लिखा कि सबको इस देश में समान अवसर है न्याय के लिए, राजनीति करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, सबको किसी भी जॉब के लिए सबको समान अवसर है, ये संविधान की प्रस्तावना, इसको हम पढ़ते भी रहेंगे और हम चाहेंगे कि पूर्ण रूप से लागू हो. धन्यवाद. सर एक सवाल, ये जो सरकार कह रही है कि CAA से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, NRC NPR से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार झूठी है, झूठ बोल रही है, सरकार के पास सच के नाम पे कुछ नहीं है. अगर सरकार के पास सच्चाई है तो जनता भी तो जागरूक है, वो रैलियां कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी बातों में झूठ है, उनके मन में कपट है, उनकी नीति झूठी है, और वो इस पर डिबेट करें ना, जो लोग NRC का विरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी आके डिबेट करें, गृहमंत्री डिबेट करें, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है जो गृहमंत्री जी करें कि नहीं NRC पूरे देश में लागू करवाऊ, ये क्या वो हुई, वो तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको उसकी गरिमा समझनी चाहिए, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, जनता ने तो बनाया, जनता अगर नहीं चाहती तो कानून को वापस लेने, खत्म होगी बात. सर एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक जो बात फैलाई जा रही है कि सिर्फ मुस्लिम हैं जो कि विरोध कर रहे हैं CAA का या NRC का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरा मुल्क विरोध कर रहा है, इस देश के दलित विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होगा, क्योंकि 54% दलितों पे सरकारी आंकड़ा है कि एक गज जमीन नहीं है, हम कहाँ से दिखाएंगे? तो मेरा तो 54% परिवार डिटेंशन कैंप में भेज देंगे, मैं तो लड़ूंगा, और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरा देश लड़ रहा है, सिख लड़ रहे हैं, हमारे गुर्जर समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, आप आइडेंटिटी लेंगे तो आपको पता लगेगा कितने लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, और वो पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं जो PhD कर रहे हैं, जामिया के बच्चे लड़ रहे हैं, JNU के बच्चे लड़ रहे हैं, DU AMU के बच्चे लड़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बनारस यूनिवर्सिटी के बच्चे लड़ रहे हैं, और वो सब यही कह रहे हैं कि काले कानून को हम लोग स्वीकार नहीं करते, धार्मिक आधार पर बंटवारा करता है. मेरा तो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो ये एक मिलीजुली आबादी है जिसमें हम लोग बड़े अमन चैन से रहते हैं, हम इसको खोना नहीं चाहते. सरकार ने जो बंटवारा पहले सियासी लोगों ने 1947 में किया था, दोबारा नहीं होगा, जब तक हम लोग हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं होगा.